देखो बच्चों, ब्लैक बोर्ड पर कुछ इम्पोर्टेंट इंग्लिश मीनिंग्स लिखी हुई हैं और अभी हमने आपको एक एक्टिविटी से आपको बताया था और अब हम बता रहे हैं इस पर ब्लैक बोर्ड पर, जिस पर की स्पेलिंग्स भी लिखी हुई हैं और हम इसकी मीनिंग बता रहे हैं, इसकी हिंदी भी लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले लिखा COME, कम। कम मानी होता है आना। कम मानी क्या होता है? ध्यान से देखते जाओ, उसके ऊपर लिखते जा रहा हूँ मैं। ग्रेप, ग्रेप मानी होता है अंगूर। SELL, सेल, सेल मानी होता है बेचना। सारे बच्चों को याद होना चाहिए। BUY मानी खरीदना। फिर है IMPORT, इम्पोर्ट। इम्पोर्ट किस पे था बच्चे पे? क्या है इसका मतलब? आयात। किसी चीज, जो चीज़ बाहर से आती है उसे बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में आयात। फिर अगला है डे। डे मानी होता है दिन। मैं सब उसके लिए ऊपर लिखता जा रहा हूँ उनकी मीनिंग। फिर है SAD, सैड। सैड मानी दुखी। फिर है वेजिटेबल। वेजिटेबल मानी सब्जी। फिर लिखा है SUN, सन। सन मानी होता है सूर्य। फिर लिखा है GIVE, गिव। गिव मानी होता है देना। फिर लिखा है टोमाटो। टोमाटो मानी होता है टमाटर। फिर लिखा है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मानी तितली। सारे बच्चों को स्पेलिंग भी याद होना चाहिए, ध्यान से इसलिए लिख रहा हूँ मैं। हेड मानी होती है टोपी। CRY, क्राई। क्राई मानी रोना। फिर जेब्रा। जेब्रा मानी जेब्रा। नाइट। नाइट मानी होता है रात। इंक। इंक मानी होती है स्याही। फिर है तुम्हारा फार। फार मानी होता है दूर। फार मानी लेजी। मानी होता है सुस्त। फिर है तुम्हारा क्वीन, रानी। क्वीन को हिंदी में बोलते हैं डॉल। डॉल मानी होता है गुड़िया। इजी, ये किस पे था? इजी, इजी मानी होता है आसान। जिसपे भी था वो याद हो जाएगा उसे। इजी मानी आसान। यूज, यूज मानी होता है बड़ा। COLD, कोल्ड। कोल्ड मानी होता है ठंडा। फिर आया NEARY, नियर। नियर मानी पास। एप्पल, एप्पल मानी सेब। लॉक, लॉक मानी ताला। टाइनी, टाइनी मानी बहुत छोटी। बहुत छोटी या छोटा, छोटी वस्तु को बोलते हैं। टेक मानी लेना। फिर देखो बॉय, बॉय मानी लड़का। केतले मानी केतली। फिर देखो डियर, डियर मानी हिरन। देश, देश मानी बर्तन। जग, जग मानी जग। फिर देखो नाइट, नाइट मानी रात। बार, बार मानी दूर। एक बार और हो चुका है सर। याक, याक मानी यार। जंगली भैंस होता क्या होता है भैसा?
स्नेक स्नेक मानी सांप ये देखा लाफ लाफ मानी हंसना शूज शूज मानी जूते जीरो जीरो मानी शून हॉट हॉट मानी गरम नियर नियर मानी पास हार्ड हार्ड मानी कठोर एक्सपोर्ट मानी निर्यात जीरो जीरो मानी शून्य टेक टेक मानी लेना ये सारे बच्चे अपनी कॉपी में उतार लें और याद कर लें मैं इसमें लिख के थैंक यू वेरी मच।